से बजाज के पल्सर बाइक में आप रिंग पिस्टन फिट कीजिए, आपका बाइक कभी नहीं धुआं देगा, नहीं आपका बाइक का ब्लॉक फेल होगा। फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास बजाज कंपनी का जो पल्सर बाइक है, पल्सर बाइक का यहाँ पे ब्लॉक किट है, ब्लॉक असेंबल है, सिलेंडर किट है। इसका प्राइस क्या है, इसका पार्ट नंबर क्या, टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। और इस नया ब्लॉक जो हम लोग डालते हैं, उस टाइम बहुत मैकेनिक के मन में ये डाउट रहता है, ब्लॉक डालते वक्त नया सिलेंडर की डालते कि बाइक धुआं ना मार दे, इसलिए बोरिंग करवा देते हैं, ब्लॉक के अंदर बोर करवा देते हैं। आप लोग को हम बतला रहे हैं कि इसका रिंग जो है, रिंग को किस तरह से फिट करना है। वैसे तो इस बजाज बाइक में कंपनी से लग करके ही रिंग सेटिंग करके आएगा, दोनों ही आपको स्टेप बदले, कंपनी किस तरह से फिटिंग करता है, मेरा जो अनुभव एक्सपीरियंस है, किस तरह से हम लोग फिटिंग का टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। वीडियो में अंत तक, मेरे वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये है ब्लॉक किट, अगर इसका पार्ट नंबर का बात कर, देखिए यहाँ पे 36DH4103 इसका पार्ट नंबर है। अगर प्राइस का बात कर ले, देखिए बहुत ही पुराना प्राइस है, जो 2475 रुपया इसका प्राइस है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2475 रुपया प्राइस है, और जो अभी का जो नया MRP है, नया प्राइस है, वो है 2984 रुपया, ये इसका प्राइस है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, सिलेंडर ब्लॉक प्लस पिस्टन असेंबल है, और ये 2021 का ही पैकिंग है। इसीलिए हम सभी वीडियो ने बताया कि प्राइस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस कम बेसी होते रहते हैं समय के अनुसार। चलिए आपको हम इसको ओपन करके यहाँ से दिखला रहे हैं, इसमें किस तरह से रिंग पिस्टन फिटिंग है, जो कंपनी की तरह से फिटिंग करके आए, हम लोग जो नॉर्मल फिट करें वो किस तरह से फिट करेंगे। चलिए हम पहले यहाँ से ब्लॉक को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग कर लिए हैं, फाइनली जो है सो ब्लॉक किट खुल करके देखिए यहाँ पे बाहर आ गया। ब्लॉक किट जो है इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से देखिए प्रॉपर ये सील किया हुआ है। इस पैकिंग को हम यहाँ से कहीं से भी इसको कट कर देंगे, देखिए इस तरह से। देखिए सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक लॉक मुझे बाहर मिला, ना ही इसके अंदर ब्लॉक गैस किट था, ना ही हेड गैस किट था, कोई भी इसके अंदर कोई एक भी गैस किट नहीं था, नहीं यहाँ पे ब्लॉक गैस किट था, नहीं हेड गैस किट था, नया ब्लॉक किट के साथ कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक मिल रहा है, एक पिस्टन वाला पिस्टन का रिंग मिल रहा है, गजल पिन मिल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे पिस्टन लॉक मिल रहा है, जो गजल पिन को लॉक करते हैं लॉक मिल रहा है। चलिए इसको हम साइड में यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ से पिस्टन को हम थोड़ा बाहर निकालते हैं, देखते हैं जो कंपनी का फिटिंग है वो किस तरह से रिंग पिस्टन कंपनी सेटिंग करके देता है। देखिए प्रॉपर ये बाहर निकल गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं शायद कैमरा में आपको देखिए एरो जो क्या रहता है, ये रहता है आपको एग्जॉस्ट की तरफ, साइलेंसर की तरफ, और ये जो यहाँ पे है ये वाला पॉइंट रहता है कार्बोरेटर की तरफ। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे कंपनी का जो फिट करके रिंग आया है पिस्टन के अंदर, देखिए बजाज में तो कंपनी की तरफ से ही रिंग पिस्टन फिट होकर आ जाता है कंपनी की तरफ से, और एक तरफ से यहाँ पे देखिए पिस्टन के अंदर एक तरफ से लॉक भी लगा है, एक तरफ से नहीं लगा, क्योंकि इसको कनेक्टिंग रॉड से ज्वाइंट करेंगे इस पिन की मदद से, इसलिए एक तरफ से लॉक बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये जो एरो क्या है, एग्जॉस्ट की तरफ रहेगा, साइलेंसर तरफ रहेगा, जो हमारा टॉप वन रिंग है कंप्रेसर का, जो टॉप वन रिंग है वो देखिए उसका गैप जस्ट आपको साइलेंसर की तरफ है, एग्जॉस्ट तरफ, देखिए उसका कट जो है बीच सेंटर में है। अगर उसके बाद हम बात कर ले तो देखिए टॉप टू रिंग जो कंप्रेसर का है उसका कट जो है यहाँ पे देखिए कार्बोरेटर की तरफ है, वो भी इसका बीच सेंटर में है। देखिए यहाँ पे उसका भी कट जो है यहाँ पे बीच सेंटर में है। अगर उसके बाद हम यहाँ पे बात कर ले वायल रिंग का, तो देखिए एक जो लोअर आयल रिंग है, जो सबसे नीचे वाला रिंग है, उसका कट जो है मैग्नेट की तरफ से, सबसे नीचे वाला जो मैग्नेट तरफ से एग्जॉस्ट साइड से, जैसे इस तरफ से पिस्टन लगेगा तो इस तरफ से मैग्नेट हो जाता है, इस तरफ से क्लच प्लेट रहता है, इस तरफ से आपको यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट साइड से इस नीचे वाले कॉर्नर पर जो कंपनी फिटिंग है। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो, तो वायल रिंग जो अपर वाला है यहाँ पे देख रहे हैं, अपर वायल रिंग है वो कार्बोरेटर तरफ है, वो इस कॉर्नर पे, वो भी मैग्नेट की तरफ से है, मैग्नेट इस तरफ होता है तो इस कॉर्नर पे ऊपर में, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। वायल जो एक्सपेंडर रिंग है, जो जिसको हम जाली वाला रिंग बोलते हैं, उसका कट मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है, जस्ट गजल पिन के बगल में है, वो भी यहाँ पे देखिए W बना हुआ है, M नहीं बना हुआ है, ये कंपनी फिटिंग है। तब हम लोग जो नॉर्मल फिट करते हैं वो तरीका आपको बतला रहे हैं, इसको फिट किस तरह से करना है। इसके लिए चलिए फटाफट हम इस पिस्टन से रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका W बना, देखिए इसका रिंग का कट जो है ऊपर की तरफ है, W बना है, हम लोग भी क्या करेंगे इसको M नहीं बनाना है, इसको M बिल्कुल नहीं बनाइए। बजाज का बाइक का रिंग पिस्टन फिटिंग करने का तरीका है, पल्सर बाइक में तो इसी तरह से हम जो नॉर्मल रिंग फिट करते हैं, इसको रखना कहाँ पे है, जस्ट W बना करके एग्जॉस्ट साइड रखना है इस वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए आपको रखना है जस्ट एग्जॉस्ट साइड में बीच सेंटर में, उसको भी यहाँ पे W ही बनाना है। देखिए यहाँ पे W बना के हम लोग इसको बीच सेंटर में डाल दें। अब जो लोअर आयल रिंग है,
इसको दवाइयाँ देखिए एक तरफ भागता है, जो मुंह इस तरफ भाग रहा है उसको देना है जस्ट नीचे की तरफ और इस कॉर्नर पे देना, एग्जॉस्ट साइड से इस कॉर्नर पे देना है यहाँ पे। बिल्कुल आस्ते आस्ते से रिंग को फिटिंग करना है। देखिए प्रॉपर ये रिंग फिट हो गया, इसको डब्लू बना करके हमने यहाँ पे डाल दिए, रिंग प्रॉपर फिट हो गया। अब उसके बाद इस रिंग को भी दबाइए, देखिए इस तरफ भाग रहा है, ये जो ऊपर को एक तरफ जो रिंग भाग रहा है इसको देना है जस्ट ऊपर की तरफ, उसको देना है एग्जॉस्ट साइड में ही आपको इस वाले कॉर्नर पे देना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देना है इस कॉर्नर पे रिंग। देखिए प्रॉपर आस्ते से सेटिंग करना है, देखिए एल्डिंग मेरा प्रॉपर सेटिंग हो गया, आपको अब कोई डॉट नहीं है, टोटल डॉट आपका क्लियर हो गया। अब जो है फिट करना है इसके अंदर, वो यहाँ पे दो कंप्रेसर रिंग मिला, कंप्रेसर रिंग जो देखिए एक आपको बिल्कुल ब्लैक सा दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप टू, शायद आपको कैमरा में दिख जाए, यहाँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे टॉप टू जो रिंग है वो आपको नीचे वाले कंप्रेसर में डालना है यहाँ पे, और उसको गैप रखना है आपको कार्बोरेटर की तरफ यहाँ पे इस कॉर्नर पे देना, आपको देखिए इस कॉर्नर पे आपको यहाँ पे देना है इस तरह से, इनको ज़्यादा आपको लमराना नहीं है, आस्ते से सेटिंग करना है तो रिंग टूट भी जाएगा आपको। एक गैप हमने यहाँ पे डाल दिया, जस्ट उसका टॉप वन रिंग है कंप्रेसर का, उसको यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे डाल देना है कार्बोरेटर की तरफ ही। ये बहुत ही हार्ड रिंग है, बहुत क्रोम रिंग है, इसको आस्ते से सेटिंग करना है। देखिए रिंग का काम जो था फाइनली मेरा कम्प्लीट हो गया। अब आपको हम फिर से बतला रहे हैं इसका कौन गैप हमने कहाँ कहाँ पर दिए हैं। उस तरफ जो एरो क्या है सिलेंसर तरफ रहेगा, सिलेंसर तरफ सबसे नीचे वाला रिंग आयल रिंग वो हमने दे दिए इस कॉर्नर पे यहाँ पे दिए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे, जस्ट उसका जो आयल रिंग दूसरा है वो भी दिया सोलेंसर की तरफ ही इस कॉर्नर पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो आयल एक्सपेंडल रिंग है उसको एम बनना है डब्लू, तो हमने यहाँ पे डब्लू बना के डाले हैं, आप चाहे तो एम भी बना सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको देना जस्ट इस बीचों बीच हॉल के पास में, हॉल से अगल बगल में आप दे देना, इसको हॉल के सामने नहीं देना है आपको, इस वाले पॉइंट पे देना है यहाँ पे। और दूसरा जो है यहाँ पे जो कंप्रेसर रिंग है, तो टॉप वन कंप्रेसर रिंग है वो दिया हमने यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे, और टॉप टू कंप्रेसर रिंग है वो हमने दिया है यहाँ पे। अब इस तरह से बजाज के पल्सर बाइक में आप रिंग पिस्टन फिट कीजिए, आपका बाइक कभी नहीं धुआं देगा, नहीं आपका बाइक का ब्लॉक फेल होगा। हमने बहुत बाइक में इसी तरह से रिंग पिस्टन डाले हैं, प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रिंग पिस्टन को पेट्रोल से आप वॉश कर लीजिएगा, इसको अच्छा से पेट्रोल से वॉश करके ही नया रिंग पिस्टन डालिएगा। इसके ऊपर आप चाहे तो एब्रो ऑयल डाल सकते हैं या नहीं तो आप नया इंजन ऑयल डाल करके ही ब्लॉक को इस पिस्टन के अंदर इस तरह से नॉर्मली आप फिट कीजिएगा।